हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जैसा शेयर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया है? तो देखिए, इसका क्या नाम दिया गया, आप सभी को पता होगा, कोविड-19। ठीक है, इसका नाम दिया गया है, एक तरह से ऑफिशियल नेम दिया गया है कोरोना वायरस का, कोविड-19। ठीक है, और देखिए ये कोविड-19 चाइना के वुहान शहर से फैला था। और देखिए इसकी फुल फॉर्म भी है, आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे CO से है कोरोना और VI से है वायरस और D से है डिजीज और 2019 का ये जो है 19 लिया गया। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, कोरोना वायरस क्या है? तो देखिए कोरोना वायरस एक अलग तरीके के जो हम देखते हैं कि जो है क्या है, एक तरह से महामारी है यानी कि पैंडेमिक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे चार अलग अलग वर्ड दिया है, पैंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक और स्पॉडिक। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए स्पॉडिक क्या होता है कि किसी भी कंट्री या किसी एक विशेष क्षेत्र में बहुत ही छोटी जगह पर कोई अगर बीमारी फैलती तो उसको स्पॉडिक कहा जाता है। और एंडेमिक जो है इससे बड़ा होता है यानी कि एक पर्टिकुलर जो है कंट्री में होता है। और देखिए जो एपिडेमिक होता है, जो जैसे कुछ ही कंट्री में या उसके आसपास नेबरिंग कंट्री में होती है, तो वो हम कह सकते हैं उसको जो एपिडेमिक हो गया। जैसे सिंपल सी एपिडेमिक जैसे हो गया कि इबोला वगैरह जो आए थे, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में कुछ आए थे। ठीक है, जैसे एंडेमिक में क्या होता है कि देखिए एंडेमिक जैसे आपने देखा होगा कि मलेरिया के कुछ ही जो बीमारी है वो कुछ ही कंट्रीज़ में और जो है कुछ कंट्री में एक सीमित निश्चित जगह पर होती है और कुछ ही लोगों को होती है। ठीक है, एक तरह से एक उसकी जो दायरा है वो सीमित है। ठीक है, किसी कंट्री में तो देखिए स्पॉडिक बहुत ही लिमिटेड है, उसके बाद एंडेमिक आता है, जैसे एंडेमिक में मलेरिया वगैरह हो गया, जैसे एपिडेमिक में जैसे इबोला हो गया, कुछ ही कंट्री तक सीमित है। लेकिन जो पैंडेमिक है लगभग विश्व के सारे कंट्री तक पहुँचती है और बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से फैलती है, जैसे कोरोना वायरस। ठीक है, तो इन चारों वर्ड को आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था? तो देखिए सबसे पहले कोरोना वायरस का नाम दिया था SARS, जो है SARS-CoV-2 दिया था। ठीक है, देखिए SARS की फुल फॉर्म क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ये सबसे पहले वैज्ञानिक ने नाम दिया था, लेकिन अब इसका ऑफिशियल नेम है कोविड-19। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, पंजाब ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए पंजाब जो सरकार है वहाँ की, उन्होंने जो है कोवा पंजाब एक तरह से उन्होंने एक जो है कोरोना वायरस के संबंध में इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया। और देखिए कोवा इसका फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए कोरोना वायरस अलर्ट इसका फुल फॉर्म है कोवा का। और देखिए ये पंजाब सरकार ने ये लॉन्च किया है। पंजाब के अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़ और चीफ मिनिस्टर है अमरिंदर सिंह और यहाँ के गवर्नर है वी पी सिंह बदनौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया है? तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक तरह से महामारी यानी कि जो है पैंडेमिक घोषित किया है। और देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसका अभी हेड कौन है, टेड्रोस एधनॉम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले किस राज्य में कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया था? तो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे पहले कर्फ्यू लगाया गया? ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये है पंजाब। ठीक है, पंजाब के बारे में हमने अभी बात किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए पहला जो राज्य है इसमें महामारी घोषित किया था वो है हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और हरियाणा ने सबसे पहले ये महामारी घोषित किया था कोरोना वायरस को, और अब पूरे विश्व में इसको महामारी घोषित किया गया है। और देखिए हरियाणा की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़ और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, भारत में SARC कोविड-19 इमरजेंसी फंड में कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो देखिए कि भारत सरकार ने अभी $10 मिलियन की जो है एक डोनेशन देने की घोषणा की, एक तरह से इमरजेंसी फंड जो है रेज किया गया है SARC कंट्रीज़ के द्वारा। और देखिए SARC का फुल फॉर्म क्या होता है, South Asian Association for Regional Cooperation। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। और ये देखिए जो SARC है एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संयोग संगठन है। और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है,
अमजद हुसैन इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है, ठीक है। और देखिए इसमें कई बार ये पूछा जाता है कि इसमें कितने कंट्रीज आते हैं, तो देखिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये सारे कंट्रीज इसमें आते हैं सार्क में। और अभी इसमें इस सार्क के द्वारा एक जो है फंड रेज किया गया जिसमें भारत ने $10 मिलियन डोनेट किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंस्टाग्राम ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया। तो देखिए इंस्टाग्राम ने ये फीचर लॉन्च किया जिसका नाम है इंस्टाग्राम फीड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है। तो देखिए व्हाट्सएप ने भारत में स्पेशली भारत के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है, तो जिसका नाम है व्हाट्सएप चैट बोट, ठीक है, चैट बोट। और देखिए कि इसमें क्या होगा कि इस फिगर में देख रहे होंगे इस तरह से जो है अपनी चैट करके अपनी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा नया वेबसाइट शुरू किया है। तो देखिए एक नया वेबसाइट शुरू किया गया है गूगल के द्वारा, और गूगल के इस नए वेबसाइट का नाम है google.com/COVID-19, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, नया ये वेबसाइट लॉन्च किया है गूगल ने। क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं गूगल के अभी वर्तमान CEO कौन है, तो ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है। तो देखिए कि अगर कोरोना वायरस को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये एक तरह एक क्राउन के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। और देखिए ये फिगर में देखेंगे इस तरह का ये क्राउन के रूप में ये दिखाई देता है, ठीक है। और देखिए इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा, तो देखिए सेम चीज़ अभी हमने बताया कि इसका स्ट्रक्चर एक तरह से कोरोना जो क्राउन जैसे होता है, इनकी एक तरह से मुकुट के रूप में होता है, जैसे आप इस फिगर में देख रहे होंगे इस तरह का होता है, ठीक है। और इसीलिए जिसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्राउन के स्ट्रक्चर होने के कारण इसका नाम पड़ा है कोरोना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं, कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है। तो देखिए कोरोना वायरस संबंधित है सार से संबंधित है और MERS दोनों से संबंधित है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए SARS की फुल फॉर्म मैंने बताया है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, और MERS का फुल फॉर्म है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी। तो देखिए कोरोना वायरस इससे पहले भी हुआ है, और सबसे पहली बार कब हुआ था, तो 1960 में इसको जो है पहली बार ये पहचान की गई थी, ठीक है। तो ये डेट याद रखेंगे, 1960 में पहली बार कोरोना वायरस आया है। देखिए कोरोना वायरस पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा फैल गया है, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आने वाले टाइम पे, ठीक है, एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या है। तो देखिए कोरोना वायरस के कुछ प्राथमिक जो लक्षण हैं वो बुखार है, खांसी है और सांस लेने में तकलीफ, ये कुछ इसके लक्षण हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए अभी भारत में और अन्य देशों में ऐसे भी आ रहे हैं कि उनमें कोई लक्षण नहीं दिख रहे, उनमें सिम्टम नहीं दिख रहे, फिर भी उनको कोरोना वायरस है, यानी कि जो इसमें सिम्टम है, असिम्टमिक जो लोग हैं उनके भी कोरोना वायरस हो रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, COVID-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है। तो देखिए COVID-19 के लिए जिम्मेदार जो वायरस है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, SARS-CoV-2 इसके लिए जिम्मेदार है, यानी कि इस वायरस का जो कोरोना वायरस के वायरस है उसका नाम है SARS-CoV-2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने COVID-19 के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिनने एक नया ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम है ऑपरेशन शील्ड, और ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। देखिए दिल्ली के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस के नए वायरस को स्थायी रूप से क्या नाम दिया गया। तो देखिए कोरोना वायरस के जो स्थायी जो नाम दिया गया है, देखिए इसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2019 nCoV, ठीक है, ये नाम दिया गया नया। तो इसका ध्यान रखेंगे कि नया नाम जो है इसका 2019 nCoV। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, फेसबुक ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया। तो देखिए एक नया फीचर लॉन्च किया गया फेसबुक के द्वारा, और ये ऑप्शन है, ये फीचर है कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन सेंटर, ये नया फीचर लॉन्च किया गया फेसबुक के द्वारा, ठीक है। और देखिए फेसबुक के CEO कौन है वर्तमान में, मार्क जुकरबर्ग, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, कैलिफोर्निया US में इसका हेडक्वार्टर है फेसबुक का। अब इस फिगर में देख रहे होंगे इस तरह की जो है डॉक्टर और जो मरीज के बीच में इस तरह की जो है
इन्फॉर्मेशन पास की जा सकती है इस फीचर के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो देखिए, कोरोना वायरस का जो नाम है एक तरह से ये लैटिन भाषा से ये उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस पीड़ितों की सहायता के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो देखिए, एक तरह से $12 मिलियन की जो घोषणा की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो देखिए कि ये वर्ल्ड बैंक जो है इन्होंने 12 मिलियन की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि किस भारतीय वैज्ञानिक की लीडरशिप में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन की परीक्षण की जा रही है? तो देखिए कि यहाँ पे एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक है जिसका नाम है SS वासन और जिनकी लीडरशिप में कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन का जो है परीक्षण की जा रही है। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखेंगे SS वासन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में इनकी भारत में जनता कर्फ्यू लगाया गया था? तो देखिए कि ये भी चीज़ कई बार पूछ सकते हैं कि जो है जनता कर्फ्यू कब लगाया गया? तो 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया गया था। ठीक है, और इस तरह जो है सड़कें जो है पूरी सुनसान थी और लोगों ने एक तरह से इनिशिएटिव लिया और लोग अपने घर में रहे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस इनकी COVID-19 के टेस्ट का क्या नाम है? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कई बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टेस्ट है कोरोना वायरस का उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है RT-PCR। जैसे आपने देखा होगा कि एलाइजा किसके लिए किया जाता है, तो ये एड्स के लिए किया जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे RT-PCR का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। RT का फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और PCR का है यहाँ पे पॉलीमीरस चैन रिएक्शन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। COVID-19 शब्द में VI का क्या तात्पर्य है? तो देखिए, VI का हमने अभी बात किया था, CO से क्या है कोरोना, और VI से है वायरस, और D से डिजीज, और 19 से यानी कि 2019 में सबसे पहली बार कोरोना वायरस का पता चला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे B करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। चाइना के वुहान में फंसे 324 भारतीयों को किस विमान के द्वारा बाहर निकाला गया, इनके भारत लाया गया? तो देखिए कि ये बहुत बार ऐसा हुआ कि जब भी कोई ऐसे आपदा आई है तो भारत के एयर इंडिया ने कई सारी जगह से लोगों को एयरलिफ्ट करके ये निकाला गया है। ठीक है, और देखा होगा आपने एयरलिफ्ट मूवी भी आई थी, तो इस तरह एयर इंडिया हर काम में जो है लोगों को आपदा के समय बचाती है। ठीक है, और देखिए एयर इंडिया के अभी CEO कौन है? प्रदीप सिंह खरोला है, और इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, क्या आप लोग बता सकते हैं कि अभी हमारे एविएशन मिनिस्टर कौन है अभी वर्तमान में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिलायंस ने भारत का पहला COVID-19 समर्पित हॉस्पिटल कहाँ पे खोला है? तो देखिए, रिलायंस ने एक पूरी जो है COVID-19 के लिए एक जो है हॉस्पिटल को समर्पित किया, और ये मुंबई में किया है। और मुंबई में देखिए कि सबसे ज़्यादा अभी कोरोना वायरस के केस सामने आए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक्स 2020 से एग्जिट करने वाला पहला देश कौन सा है? तो देखिए, पहला देश है यहाँ पे कनाडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। किस बैंक ने अपने ग्राहकों को लॉकडाउन के दौरान घरों से बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है? तो देखिए, कितनी अच्छी एक फैसिलिटी दिया गया लोगों के लिए, और ये बैंक क्या है? ICICI बैंक के द्वारा इस जो है सेवा यानी कि इस फैसिलिटी को शुरू किया गया है। ICICI बैंक ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण कौन सा टेनिस टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया है? तो देखिए, फ्रेंच टेनिस जो ओपन है, फ्रेंच ओपन, और देखिए कि ये फ्रेंच ओपन ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसको स्थगित कर दिया गया, और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में होता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ICMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यदल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई है? तो देखिए, इसके द्वारा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की जो है सिफारिश की गई है ICMR के द्वारा। और देखिए, ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, और जिसके द्वारा इस दवाई की सिफारिश की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखिए, सबसे पहली बार जो है कोरोना वायरस के लिए लॉकडाउन किसने किया था? ये है राजस्थान सरकार ने। ठीक है, और देखिए यहाँ राजस्थान के बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल है जयपुर, और यहाँ के CM हैं अशोक गहलोत, और गवर्नर है कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोमिनोज पिज़्ज़ा ने किस कंपनी के साथ मिलकर डोमिनोज एसेंशियल सेवा शुरू की है, इनकी सेवा लॉन्च की है? तो देखिए, ये है ITC फूड के साथ मिलकर इन्होंने एक जो है एसेंशियल जो है गुड्स
एसेंशियल सेवर लॉन्च किया है, ठीक है, आईटीसी फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, एनएचए ने कोविड 19 रोगियों के उपचार में शामिल होने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए एनएचए क्या है, तो देखिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इन्होंने ऊबर के साथ जो है जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ऊबर के साथ एक जो है समझौता पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। और देखिए कि ये एक बहुत अच्छी पहल है ऊबर की भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालों और संसदों के सदस्यों की सहमति से कोविड 19 जो संकट है उससे निपटने के लिए एक वर्ष के लिए कितने वेतन की कटौती की गई। तो देखिए यहाँ पे इन सारे लोगों की एक बहुत अच्छी पहल है, इन्होंने 30% की जो है इनकी सैलरी का जो है कटौती के लिए इन्होंने सहमति जताई है, 30%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय अमेरिकी फर्म ने 3.4 मिलियन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट को दान करने का संकल्प किया है। तो देखिए कि कितना बड़ा एक जो है योगदान है, और ये कंपनी है एमनील फार्मास्यूटिकल, और इन्होंने 3.4 मिलियन टैबलेट हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की डोनेट करने के लिए संकल्प लिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 5TN ड्रिंकिंग प्लान की घोषणा की है। तो देखिए यह राज्य है दिल्ली, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 5T की क्या फुल फॉर्म है, तो देखिए टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे इसकी 5T की फुल फॉर्म है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पुलिस ने क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए इस ऐप का नाम है रक्षा सर्व, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और ये छत्तीसगढ़ के पुलिस ने क्वारंटाइन किए गए लोगों को ट्रैक करने के लिए ये लॉन्च किया है, ठीक है, ये ऐप। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, वुहान जो चाइना का एक शहर है ये किस प्रांत में स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए वंडरफुल डे अहेड।